अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में प्यार करने वाले सितारों को देखा गया है कि कैसे वो दुनिया से बगावत कर सरेआम अपने प्यार का इजहार अपने पार्टनर से करते हैं और सभी की आंखों में धूल झोंक कर वो अपना सच्चा प्यार निभाते हुए अपने पार्टनर से शादी भी करते हैं, जिनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि फिल्मों की तरह ही बॉलीवुड के 15 सितारों ने सरेआम अपने प्यार को अपनाया है और उनके साथ आज वो सभी सुखी जीवन बिता रहे हैं। अगर नहीं मालूम तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं टॉप 15 सितारों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने सरेआम अपने प्यार को अपनाया है। तो आखिरकार कौन कौन से हैं वो सितारे, आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 15, मलाइका अरोड़ा। बड़े पर्दे की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सरेआम अपने सच्चे प्यार अर्जुन कपूर को अपनाया है। जी हाँ, यहाँ तक कि इन्होंने उन्हें पाने के लिए अपने पहले पति अरबाज खान से भी तलाक ले लिया है, जिसके चलते आज ये अर्जुन के साथ खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं और खबरों के मुताबिक जल्द से जल्द इनकी शादी की शहनाइयाँ भी बजने वाली हैं। जी हाँ, समाज से बिना डरे मलाइका अरोड़ा अपने सच्चे प्यार अर्जुन से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिनकी ये प्यारी सी जोड़ी लोग खूब पसंद करते हैं, जिन्हें अब सिर्फ एक होने का इंतजार है। नंबर 14, अनुराग कश्यप। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी साल 2011 में अपनी लव पार्टनर एक्ट्रेस कल्की कोचलिन से शादी कर उन्हें सरेआम अपनाया है। जी हां, एक्ट्रेस के प्यार में दीवाने अनुराग कश्यप ने बिना किसी के परवाह की एक्ट्रेस कल्की से साथ फेरे लिए थे, जिनसे ने एक बच्चा भी है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि दोनों के बीच इतना प्यार होने के बावजूद भी आज ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, जिनका तलाक साल 2015 में आपसी लड़ाई के चलते हो चुका है, मगर कहीं न कहीं आज भी ये अपनी लाइफ पार्टनर को बहुत मानते हैं। नंबर 13, पूजा भट्ट। सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस पूजा भट्ट आज तलाकशुदा हैं और सिंगल लाइफ स्पेंड कर रही हैं। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने भी अपने लव पार्टनर मनीष बखीजा को सरेआम अपनाया था। जी हाँ, उन्हें पाने के लिए इन्होंने कई हदें पार की थी। इतना ही नहीं, फैमिली से लड़कर इन्होंने साल 2003 में उनसे साथ फेरे भी लिए थे, लेकिन अफसोस इनकी शादी सिर्फ साल 2014 तक चली और बाद में न जाने इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए, जिनकी यादों के सहारे आज पूजा अपनी जिंदगी घुट घुट कर जी रही हैं। नंबर 12, आमिर खान। 90 के दशक के सबसे पॉपुलर एक्टर आमिर खान ने तो अपनी पहली पत्नी रीना दत्त से भागकर शादी की थी। जी हाँ, दरअसल आस पड़ोस में रहने के चलते इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन अलग अलग मजहब होने के कारण इनकी फैमिली इनकी शादी के सख्त खिलाफ थी, जिसके चलते रातों रात इन्हें रीना को उनके घर से भगाना पड़ा था। हालांकि उन्हें भगाने के बाद इन्होंने कई बदनामियां झेली, लेकिन किसी की परवाह ना करते हुए इन्होंने उनके साथ अपना सुखी घर बसाया। मगर दुख की बात तो यह है कि इनकी शादी ज्यादा साल नहीं टिकी और ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए, जिसके बाद आमिर की लाइफ में किरण राव आई और अब उनसे भी इनका तलाक हो गया। नंबर 11, सैफ अली खान। भले ही आज स्मार्ट हीरो सैफ अली खान अपनी दूसरी शादीशुदा जिंदगी में अपनी ब्यूटीफुल वाइफ करीना कपूर और बच्चों के साथ खुशी खुशी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह को सरेआम अपनाया था। जी हाँ, क्योंकि अमृता इनसे काफी बड़ी थी, जिसके चलते फैमिली दोनों को एक होने नहीं देना चाहती थी। ऐसे में सैफ को समाज से भी खूब ताने सुनने पड़े थे, फिर भी इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अमृता को अपनाया, मगर शादी के 14 साल बाद इनका भी तलाक हो गया। नंबर 10, ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के बॉडी बिल्डर कहे जाने वाले अभिनेता ऋतिक रोशन अपनी खूबसूरत वाइफ सुजैन खान के साथ बहुत खुश थे, जिनके साथ इनकी 14 साल शादी चली और बच्चे भी हुए, मगर आज दोनों के प्यारी सी जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋतिक सुजैन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुजैन मुस्लिम धर्म की थी, फिर भी इन्होंने अपनी फैमिली से समझौता करते हुए सुजैन को अपनाया था। नंबर 9, फरहान अख्तर। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और भाग मीखा भाग फिल्म से बड़ा नाम कमाने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने हाल ही में सिंगर शिबानी डांडेकर से दूसरी शादी की है, मगर इससे पहले उन्होंने हेयर स्टाइलिश अधुना भवानी से लव मैरिज की थी, जो अलग कास्ट की थी, जिसके चलते फैमिली वाले इनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए थे। फिर भी फरहान ने सबसे लड़ झगड़ कर उनसे भाग कर शादी की थी। नंबर 8, कैटरीना कैफ। वैसे तो बॉलीवुड की कैट गर्ल कैटरीना कैफ का नाम बहुत से लोगों के साथ जुड़ा है, लेकिन कुछ महीने पहले ही इन्होंने अपने सपनों के राजकुमार विकी कौशल से बहुत धूमधाम से शादी कर उन्हें सरेआम अपनाया है और उन्हीं के साथ आज एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। नंबर 7, प्रियंका चोपड़ा। ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की तरह ही प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने सच्चे लाइफ पार्टनर निक जोनास से धूमधाम से शादी कर सरेआम उन्हें अपनाया है, जिसके चलते इनकी फैमिली भी इनके इस फैसले से बहुत खुश है। आपको बता दें, निक को पाने के लिए इन्हें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना पड़ा है।
नंबर 6, सुष्मिता सेन। यूं तो बॉलीवुड की सबसे खुशनुमा एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बढ़ती उम्र के साथ भी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये अपने प्यार रोहमन शॉल को सरेआम अपनाने के लिए भी तैयार थी, मगर वो ही इनके नहीं हुए और इन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चले गए, जिसके चलते आज ये अकेली हैं। नंबर 5, करण सिंह ग्रोवर। छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे के भी सुपरस्टार बने अभिनेता करण सिंह ग्रोवर वो अभिनेता हैं जिन्होंने 3 शादियां की हैं, जिसमें से 2 शादियां फेल और 3री शादी सफल रही हैं। जी हाँ, आज ये अपनी 3री शादी में अपनी खूबसूरत वाइफ बिपाशा बासु के साथ बहुत खुश हैं, पर आपको बता दें इन्होंने बिपाशा को सबसे लड़ झगड़ कर और सबके खिलाफ जाकर उन्हें अपनाया है। इतना ही नहीं, बिपाशा को अपना बनाने के लिए इन्होंने उनके परिवार की बहुत सी शर्तें भी मानी हैं। नंबर 4, मनीषा कोइराला। 11 अलग अलग लोगों के साथ अफेयर रखने वाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने आखिर में बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर उन्हें सरेआम अपनाया था, जिन पर ये आंख बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन शादी के 1 साल के अंदर ही वो इन्हें छोड़कर चले गए। पर उनके जाने के बाद भी मनीषा ने अभी तक किसी से दूसरी शादी नहीं की है। नंबर 3, काजोल। मेट फॉर ईच अदर कहलाने वाली अजय देवगन और काजोल की प्यारी सी जोड़ी ने तो अपने घर की छत पर ही सभी के खिलाफ जाकर अपनी सारी हदें पार करते हुए साथ फेरे लिए थे, और आज भी शादी के इतने साल गुजरने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, जिसके चलते सब लोगों ने भी इन्हें अपना लिया है। नंबर 2, रानी मुखर्जी। अपने खुशनुमा अंदाज से मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी शादी के 7 साल बाद भी अपने पति आदित्य चोपड़ा के साथ बहुत खुश हैं, पर आपको बता दें इन्होंने फैमिली की नामंजूरी से शादी की है, जिन्हें पाने के लिए रानी ने बहुत सी सीमाएं लांघी हैं, तब जाकर आदित्य इनकी तकदीर बने हैं, जो वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी मानी जाती है। नंबर 1, करिश्मा कपूर। पहले तो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने सच्चे प्यार अभिषेक बच्चन को सरेआम अपनाकर उनसे सगाई की, लेकिन अफसोस वो टूट गई, जिन्हें पाने के लिए करिश्मा ने लाख कोशिश की, पर फिर भी अभिषेक इनके नहीं हो पाए, जिसके बाद करिश्मा को संजय कपूर से प्यार हुआ और उनके साथ इन्होंने घर भी बसाया, लेकिन उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चलते दोनों अलग हो गए, जिसके चलते आज ये अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रही हैं। वेल दोस्तों, आपको किन कपल्स स्टार्स की जोड़ी सबसे अच्छी लगती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।